देवर लुकिंग थिंग्स, वो एक जादू की तरह दिखाई देने वाली चीज़ें थी। विथ देयर फ्लैट एंड ओवल बॉडीज, वो अपनी चपटी ओवल शेप की बॉडी के साथ। देयर नीट क्रॉक लेग्स, उसकी साफ मुड़ी हुई टांगें। द एनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉस, बड़े क्रैब की तरह पंजे। बल्बस एंड नीटली जॉइंटेड एस आर्मर, बल्ब की तरह और बहुत सफाई से जुड़ा हुआ एक पर आर्मर, यानी हथौड़े की तरह से मुड़ा हुआ। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और दुम एक तार की धागे की तरह, और ब्राउन बीड्स एंडिंग उसके एंड में इस तरह से जैसे कोई ब्राउन बीड से उसकी इख्तिताम तक आखिर तक ब्राउन बीड से वो बनी हुई है। एंड स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और उसका जो डंक है वो बिल्कुल रोज़ के कांटे की तरह से है। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइटली एज यू एग्जामिन हिम ओनली राइजिंग हिज टेल। स्कॉर्पियन जो है वहाँ पे वो पड़ा दिखाई देता है बिल्कुल खामोशी से, जैसे आप उसको मुआयना करें या जायज़ा लें तो सिर्फ उसकी दुम ऊपर उठी हुई होती है। एज अ वार्निंग साइन, और वो वार्निंग साइन के अलामत होती है। इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, और अगर आप उसके करीब सांस लेंगे तो उसका वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाउ द अदर पैराग्राफ। देन वन डे, एक दिन, आई फाउंड अ फेट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, मुझे मिली एक मोटी फीमेल स्कॉर्पियन वॉल में। वेयरिंग वॉट एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर टू बी अ पैल फॉन फर कोट, और पहली नज़र में इस तरह नमूदार होता है, दिखाई देता है जैसे उसने पैल फॉन फर कोट पहना हुआ है। क्लोजर इंस्पेक्शन, करीब से देखने के बाद, प्रूव दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वॉज मेड अप ऑफ अ मास ऑफ टीनी बेबीज क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, ये साबित होता है कि वो स्ट्रेंज गारमेंट, अनोखा सा जो लिबास है वो बना हुआ है गोश्त से, छोटे छोटे बेबीज के जो कि अपनी मदर के बैग पे चिपके हुए हैं। आई वॉज एनरैप्चर्ड बाय दिस फैमिली, मैं इस फैमिली से बहुत मुतासर हुआ। एंड आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल दैम इन टू द हाउस एंड अप टू माई बेडरूम सो दैट आई माइट केप दैम एंड वॉच दैम ग्रो अप। लिहाजा मैंने अपना दिमाग बनाया कि मैं इनको गायब करके घर के अपने बेडरूम तक ले जाऊंगा और मैं उनको अपने पास रख सकूं और उनको ग्रो होता हुआ या बढ़ते हुए देख सकूं, ग्रो बड़े होना। विद इन्फिनिट केयर आई मूव द मदर एंड फैमिली इन टू अ मैच बॉक्स, बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ मैंने मदर और उसकी फैमिली को एक मैच बॉक्स में मूव किया यानी डाला। एंड देन हर्रीड टू द विला, और फिर जल्दी से मैं अपने विला यानी घर में गया। हर्रीड, हरी का सेकंड फॉर्म है, ये हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। नाउ इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज I encaptured the door, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बदकिस्मती थी कि जैसे ही मैं दरवाज़े में दाखिल हुआ, lunch should be served, I repeat this line, it was rather unfortunate that just as I entered the door, ये मेरे लिए एक बहुत बदकिस्मती थी कि जैसे ही मैं दरवाज़े में दाखिल हुआ, लंच शुड बी सर्व, लंच यानी दोपहर का खाना पेश किया जाता, सर्व
इसकी सर्व जो है वो सेकंड फॉर्म है, सर्व इसकी फर्स्ट फॉर्म है. वी यूज़ दिस फॉर्म फॉर द पास्ट टेंस. हाउ एवर आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस. मेंटल पीस कहते हैं जो कमरों को गर्म करने के लिए कमरों के अंदर आतिशदान बनाए जाते हैं, तो उसमें आग जलाई जाती है, उसको हम मेंटल पीस कहते हैं. तो मैंने आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली, मैंने बहुत एहतियात से अपना मैच बॉक्स मेंटल पीस के ऊपर इन द ड्राइंग रूम जो ड्राइंग रूम में था, एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली फॉर द मील. और मैं अपना रास्ता लिया मैंने डाइनिंग रूम की तरफ और अपनी फैमिली को खाने के साथ मैंने ज्वाइन किया, यानी उनके साथ में शामिल हुआ. डॉडलिंग ओवर माय फूड, आहिस्ता आहिस्ता मेरा खाना ख़त्म हो रहा था. फीडिंग रॉजर सरप्टिशियसली अंडर द टेबल एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्गिंग. फेडिंग रॉजर यानी रॉजर जो है वो टेबल के नीचे बैठा हुआ था और जल्दी अपना खाना खा रहा था और फैमिली की जो आर्गिंग यानी बहस और मुबाहसा था वो भी सुन रहा था. आई कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू करियर कैप्चर, मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया था अपनी एक्साइटिंग जो न्यू मैंने कैप्चर किया था यानी फैमिली को जो मैंने अपने पास कैद किया था, मैं उसको मुकम्मल तौर पर भूल गया था. एट लास्ट लैरी, आखिरकार लैरी हैविंग फिनिश्ड यानी उसने अपना खाना ख़त्म किया, फेच द सिगरेट फ्रॉम द ड्राइंग रूम, फेच द सिगरेट फ्रॉम द ड्राइंग रूम एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर, ही पुट वन इन हिज माउथ एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स ही हैड ब्रॉट. सिगरेट जो है वो ड्राइंग रूम से लेकर आया और वापस अपने चेयर पर बैठ गया. उसमें से एक उसने निकाली और अपने मुंह में रखी और उस एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स, और फिर मैच बॉक्स उठाया ही हैड ब्रॉट जो कि वहाँ से वो लेकर आया था ड्राइंग रूम से. ऑब्लिवियस यानी इस बात को फरामोश किए बगैर, दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम, कि मेरे जो खुशी के दिन हैं वो अब ख़त्म होने वाले हैं. आई वॉच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली, मैं अपने बड़े भाई को बहुत दिलचस्पी से देखता रहा, एज स्टिल टॉकिंग लाउडली और वो ऐसे ही तेज़ तेज़ बातें कर रहे थे. ही ओपन्ड द मैच बॉक्स, उन्होंने मैच बॉक्स को खोल दिया. नाउ द अदर पैराग्राफ, नाउ आई इंसिस्ट, मैंने बहुत इंसिस्ट किया यानी मैंने बहुत ज़्यादा उनको दिलासा दिया. टू दिस डे, इस दिन के लिए, दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन्ट नो हार्म, कि फीमेल स्कॉर्पियन जो है वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है. शी वॉज नर्वस एंड अ लिटिल एनॉयड एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, वो थोड़ी सी परेशान है और घबराई हुई है काफ़ी देर से इस मैच बॉक्स के अंदर बंद होने की वजह से. एंड सो शी सीज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, लिहाजा उसने फौरन ही जो फरार का पहला मौका था उसको उसने पकड़ लिया. शी पुल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, उसने ख़ुद को बॉक्स में से उछाला. विथ ग्रेट रेपिडिटी, बहुत तेज़ी से, हर बेबीज क्लिंगिंग ऑन दिस सेपरेटली, और उसके जो बेबीज थे वो उसके ऊपर लापरवाही से या चिपके हुए थे. एंड स्केटल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लैरीज हैंड, वो बिखर गए लैरी के हाथ के बैक वाले हिस्से पर. देर वहाँ नॉट क्वाइट सर्टेन वॉट टू डू नेक्स्ट, अब ये खामोशी रहना वहाँ मुमकिन, क्योंकि अब वहाँ जो भी कुछ होने वाला था अगले वो क्या था. शी पॉज्ड हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी, उसने अपना
डंक जो है वो रेडी यानी कर्व करके ऊपर करके उसने उठाया हुआ था। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लास, लैरी को उसके पंजों की मूवमेंट महसूस हो रही थी। ग्लेंस डाउन टू सी व्हाट इट वॉज, एक निगाह डाली उसने और देखा कि ये क्या था। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, और फिर उसी लम्हे थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज, चीज़ें खुद बखुद जो है वो गड़बड़ की तरफ बढ़ने लगी। नाउ एक मिनट जरा सा।